हो गया वो रिकॉर्ड हो। ठीक है अभी चलिए, लास्ट। तो केक काटने की रसम पूरी की रसम जाए। पूरी की जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भविष्य, हैप्पी सीरियस माय बर्थडे फादर। टू मैंने आज उनको बहुत बड़ा एक टाइटल दिया है, फादर। आई होप कि इसकी ये गरिमा रखेंगे। ये मेरा ब्रदर, आई होप कि इसकी भी गरिमा रखेंगे। और ये प्यार बहुत अद्भुत है। कहते हैं जरूरी नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ये प्यार हासिल किया जाए। मुझे पता है कि ये अपनापन जो होता है ना, इसकी कीमत अनमोल है। यस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं इनका है, तो इन्हीं को मुबारक मुबारक और इन्हीं को खिलाना चाहिए। बाकी आई होप बहुत जल्दी ये नाम नजर आएगा मार्केट में। किंग मैन आओ आइए। सबसे बड़ा किंगमैन मैं, मेरा नाम पीछे जो मैं, मेरा आवाज़ आप लोग अगर सुन सकते हो, जो सुन सकते हो, मेरा नाम शिवा देवनाथ है। तो आज ये बर्थडे पार्टी में सबसे बड़ा जो शख्सियत है, वो सबसे बड़ा शख्सियत मुंडी जी। मुंडी जी आप क्या कहना चाहेंगे कि इनका आज बर्थडे हम लोग भले ही छोटे तरीके से बनाए, लेकिन हम चाहें हो सकते हैं हम लोग बड़े तरीके से बना सकते हैं और बनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आप क्या 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 कहना चाहेंगे कि कैसा? मेरा मुंह थोड़ा खराब तो नहीं है ना? नहीं यार, ठीक है, चलता है। मुझे जो चलता है सब ऐसा लगाओगे लगेगा मेरा बर्थडे। ठीक है, क्या इनको इनको क्या विश देना चाहेंगे आप? तुम्हारे आर्यन जी का कम समय में हमारे मुलाकात हुई है, और प्यार जो मिला है, प्यार लेन देन जो भी है हमारा, इससे हम बहुत प्रभावित हो चुके हैं। वो भी हो चुके, मैं भी हो चुका हूँ। और उनको जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आगे का जो भविष्य है उनका, वो नाम के साथ उज्ज्वल होगा ही, और नहीं होगा तो हम करेंगे। अरे जी आज मैं पीछे है, मेरा आवाज तो आएगा ही। गुड नेम। और मेरा शिवा देवनाथ हूँ। और अरेन जी आपका आज हैप्पी बर्थडे था, लेकिन किसी को पता नहीं था, अचानक से प्रोग्राम बन गया आधी रात में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो हमें याद था, इसलिए हमने आधी रात को, अभी देखो 1 बज रहा है। देखिए, कहते हैं कि जो अपने होते हैं, अपनों की खुशियों को पल पल और नैनो सेकंड में ढूंढते हैं। शिवाजी स्पेशल फॉर थैंक्स यू कि आपने अपने घर में ये एक छोटा सा भव्य कार्यक्रम जो मुझे प्रदान किया है, इसकी कीमत अनमोल है। शब्दों में क्या बयां करूं, जो कि जो पल अद्भुत हो, ये पल अनमोल है। आई होप कि इन्होंने एक शब्द बोला और उस शब्द की गरिमा जो आज तक बरकरार रखी, आई होप कि आने वाले दिनों में बरकरार रखेंगे। कहते हैं कि रिश्ते कुछ पल में जो बनाए जाते हैं, सदियों तक नामुमकिन है जो निभाए जाते हैं, मगर ये पल निभा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये अपने रिश्ते को संजो के रखेंगे, निभाएंगे। बेटा जब बाप के बराबर हो जाता है ना, तो लड़ाई करता है, मगर कोई एक पर्सन ऐसा नहीं होता है जो उस पर बट क्यों कैसे बोल सके। ये मार्केट में बात नहीं जाती है, ना जाएगी। पिता तुल्य सदैव रहेंगे। और आई होप कि मुंबई में मैं जब भी कुछ करूँगा, ये मेरे अद्भुत हैं जो इन्होंने आज विशेष कार्यभार संभाला है, सदैव संभालेंगे। और ये मेरा भाई, आई होप किसी तरह मुझे प्यार सम्मान देगा। मैं बारिश में भीग रहा था तब उसने सहारा दिया, उसकी कीमत अनमोल है। अरेन जी एक बात है, आप बॉलीवुड में आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर या मतलब सब आपके अंदर कला सब जी बड़ा पड़ा है। आप आने वाले वीडियो एल्बम बना रहे हैं, हाँ। कोई फिल्म बना रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, तो आने वाले आपका प्रोजेक्ट क्या है? शिवा जी सर्वप्रथम मैं आपको, इनका जो प्रोडक्शन का नाम है आर्यन, आर्यन प्रोडक्शन नाम से ही उन्होंने तो चालू किया है, और वो सदैव काम चालू रहेगा। फिल्में भी बनाएंगे, एल्बम भी बनाएंगे, अवार्ड भी बांटेंगे, और कुछ कमी है। देखिए शिवा जी, मेरी लाइफ का उद्देश्य एक नहीं है, अनेक है। और प्राउड का फील होता है कि जब एक बार आपने किसी चीज की ठान ली, अगर ईश्वर आपको सोचने की सद्बुद्धि देता है तो कार्य करने का मार्ग भी देगा। जब मैं लखनऊ से निकला था तो मुझे नहीं पता था मेरे पिता तुल्य मेरे भाई मिलेंगे,
और बड़े भाई और छोटे भाई के रूप में मेरा बड़ा भाई मिलेगा, और आई होप इतना प्राउडली फील कर रहा हूँ कि जिस तरह पोस्टर लॉन्चिंग हुआ ग्रैंड लेवल पे, बट मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी अपने पिता तुल्य मुंडे जी से कि म्यूजिक लॉन्चिंग की इतनी ग्रैंड प्रमोशन होगी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बट ऑल ऑडियंस को मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अगर मीडिया को रिगार्डिंग दुनिया क्या कहती है, क्या बोलती है, क्या सोचती है, कुछ मत सुनो, कुछ मत जानो। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो उसकी हृदय की जो आवाज़ होती है उसको मानो। आने वाले दिनों में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जिस तरह आपने सुना अटल सम्मान, अभी इसका मेकिंग होना है, इसकी लॉन्चिंग होनी है, और आप सभी को पता है कि अवार्ड सेरेमनी होना है। देन उसके बाद मेरा लाइफ का जो ड्रीम है वो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जिस पर मैं वर्कआउट कर रहा है, टाइटल है कन्या। आई होप कन्या सब्जेक्ट पे भी हम लोग वर्क करेंगे और ये टीम बहुत खूबसूरत तरीके से उस पर मेरा साथ देगी। और आने वाले दिनों में एक शिवाजी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिंदगी का कहना, बॉम्बे डेली 150 से 2000 बच्चे आते हैं जाते हैं, मगर वो भटकते हैं, उनको एक नई राह दिखानी है। अगर एक कार्ड बनवाना है तो मुझे लगता है उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अगर उनको इंडस्ट्री में काम करना है तो मुझे लगता है कि उनको एक्टिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है अगर उनको सिंगिंग आनी चाहिए तो उनको एज अ परफेक्ट सिंगर की एडवाइजरी की ज़रूरत है, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एवरीथिंग इन ऑल। तो हमारा और विक्की जी का, मुंडे जी का एक कॉन्सेप्ट है, आने वाले दिनों में आप सबके समक्ष नजर आएगा कि उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप दे के उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा के उनको वो मार्गदर्शन प्रदान करना, ताकि इंडस्ट्री को कोई बदनाम ना करे। कार्ड के नाम पर लोग लाखों रुपये लूट लेते हैं, काम दिलाने के नाम पर लूट लेते हैं, वो डजेंट मैटर, लाइफ का पार्ट है, मगर हम भटके ना। स्वामी विवेकानंद जी की विचारों की कल्पना सभी करते हैं, मगर यूथ कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। इस बात का मुझे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चुभता है, इसीलिए मैंने अभी तक 35 से अबव लीजेंड के नाम पर मैंने अवार्ड सेरेमनी की। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है, उनके योगदान को, उनके बलिदान को, उनके देश और समाज के प्रति समर्पित सम्मान को जानो, समझो, जानो, भटको मत। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आई होप माँ बाप का आशीर्वाद, सभी का प्यार, सभी का साथ रहा तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच ऑल।